الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم برادران اسلام معزز السامعين मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों रहमतुल्लाहि व वरक अल्लाह तबारा का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुबहान इतनी सर्द मौसम में भी आज तो काफ़ी सर्दी है माइनस कम से कम कितने होंगे कम से कम सत्रह अट्ठारह दिन में माइनस अट्ठारह उसके बावजूद अल्लाह ने हमें यहाँ जमा फरमाया नमाज़ जुमा अदा करने के लिए काफ़ी दूर दराज से भी लोग आए हैं अल्लाह ताला हमारी इस नमाज़ को कबूल फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों इस उम्मत से यानी हम से पहले भी एक उम्मत थी जिसको हम साबिका उम्मत कहते हैं अल्लाह ताला ने उस उम्मत को किताबें दी थी शरीयत भी दी थी और एक नहीं ना जाने कितने अम्बिया अम्बियात वसलाम वहाँ मबूस हुए तशरीफ़ लाए हज़रत मूसा हज़रत हारून हज़रत मूसा तो बहुत मशहूर है आखिर में हज़रत ईसा हज़रत याहिया तशरीफ़ लाई और उस उम्मत के मुतालिक कहा व अन्य फौजबालतकमी यानी अल्लाह ने तमाम जहानों पर उस उम्मत को फजीलत दी वो कौन उम्मत थी यहूद और जो मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जो दो आयतें तिलावत की है वो सुरे अलहदीद की आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने सबका उम्मत को बतौर निशान अबरत के बदलाई है जो सबका उम्मत थी उनका क्या हाल हो गया वो तबाह व बर्बाद हो गई क्यों तबाह बर्बाद हो गए हालांकि उनके पास शरीयत थी किताब भी थी अम्बियातम भी मबूस हुए थे लेकिन बावजूद वो बर्बाद हो गई उसे माजूल कर दिया गया और आज अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए बतौर निशान उब्रत कुरान मजीद में रिकॉर्ड बनाया है देखिए हमें शैतान हमें सबसे ज़्यादा हमारा नफ्स या हमारा शैतान ताखीरी हरबा किसी नए काम को हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे ताखीरी हरबे के हवाले से वो हमें नए काम से रोक देता है और यही ताखीरी हरबा हमारी तबाही का सबब बनता है जब अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल फ़रमाया मुकम्मल किताब हदायत और जो कुछ लेना है इसी कुरान से लेना है हिदायत वाली किताब कौन सी किताब है कुरान मजीद है और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हमारे लिए नमूना उसवा हसना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी है अल्लाह ने हमको मनतखब फ़रमाया हुआ ज तबाकुम हमें ईमान वाले घरानों में पैदा फरमाया हल में कल में तोीर पढ़ने के अल्लाह ने तोफ़ी दी उसके बावजूद मुसलमान गफलत में पड़े हुए हैं तो अल्लाह ने यहाँ मुसलमानों को झंझोड़ा है क्या हुआ उन ईमान वालों को अलम या लजीन आमन या लजीन आमन हूँ क्या वो वक्त मुसलमानों के लिए नहीं आया है अभी भी मुसलमान गफलत में पड़े हुए हैं वो ईमान वाले अंत शाह कलूब हम जिक्र वो अल्लाह की याद के सामने अभी तक नहीं झुक गए हैं हालांकि वमां नजल अमीन अक़ अल्लाह ने हक को नाजिल फरमा दिया है यानी हक में से अल्लाह ने नाजिल फरमा दिया ये भी कह दीजिए कि यानी अल्लाह ने कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर क़यामत तक के लिए हर इंसान के किताब हिदायत के तौर पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया है और उसमें अल्लाह ने जब हयात को वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है उसके बावजूद भी मुसलमान गफलत में पड़े हुए हैं फिर अल्लाह ने कहा क्या हो गया इन मुसलमानों को आगे क्या फरमा रहे हैं वला यकून कल लदीन ऊतुल किताब उनकी तरह ना हो जाना उनके मानिंद मत हो जाना जिनको किताबें दी हमसे पहले फ़तः अल अमद बहुत साल गुजर गए गफलत में हाँ बहुत उन्होंने ये सोचा कि अभी क्या अभी तो ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है आज हम जिस तरह सोचते हैं ना आज हम इस मुगालते में पड़े हुए हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है अभी तो तिजारत को संभाल लूं, बच्चों के कैरियर का मसला है अभी तो कंपटीशन का दौर दौरा है तो अभी से मैं मस्जिद में मस्जिद में जाकर हाँ मस्जिद का खूंटा क्यों बनूं? अभी तो मेरी जो है जिसमें में ताकत है क़वत है और मैं अपनी इस कवत और सलाहियत को सिर्फ दुनिया हासिल करने में जो है मैं लग जाऊँ मगन हो जाऊं अगर इस तरह से अगर हम जिंदगी गुजारेंगे फ़कसत कलूब हूँ ऐसे उन्होंने भी गुजारा था तो अल्लाह ने उनके दिलों को सख्त कर दिया उनके दिलों को अल्लाह ने सख्त कर दिया जब दिल सख्त हो जाता है तो हक बात समझने की इस्तेदाद खत्म हो जाती है जब किसी हक हाँ बात का इंकशाफ हक हाँ बात का मतलब क्या है कुरान की तालीम हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जब हमें ये पता चल जाए कि भाई अल्लाह ने ये ये फ़राज़ हम पर आयद की है पांच वक्त नमाज हम पर फ़र्ज है कौन मुसलमान नहीं जानता है कि पांच वक्त फर्ज नमाज हम पर फ़र्ज कौन नहीं जानता है हर मुसलमान ज़्यादातर जानता है लेकिन पढ़ने वाले कितने होते हैं पढ़ने वाले पाँच से दस फीसद भी नहीं होते हैं और नब्बे फीसद इसी खफलत में इसी तखीरी हरबे के हवाले से शैतान ने उसको रोक दिया है इबादत इलाही से तो अल्लाह ने बतौर निशानी इब्रत यहां यह बदला दी है मुसलमानों तुम्हें क्या हुआ है तुम अल्लाह की याद के आगे अभी तक झुके नहीं हो होलूब हम जिक्र जिक्र का मतलब बहुत वसी माना है जिक्र का मतलब है कुरान करीम के अहकाम को भी कह सकते हैं शरीयत को भी कह सकते हैं अल्लाह की इबादत को भी कह सकते हैं जिक्र इलाही को भी कह सकते हैं इन तमाम चीजों से मुसलमान क्या हो गए गफलत में पड़ गए दुनिया अनिया मत दुनिया के चक्कर में पड़ गए फराइज छूट रहे हैं फिर अल्लाह पाक ने आगे क्या फरमाया है देखिए कुरान करीम को जिक्र इसलिए इन्ना नहन जिक्र व इन्ना लहाफिज़ून यहाँ जिक्र कहा यानी इस नसीहत वाली किताब की कि अल्लाह खुद हिफाजत फरमाएंगे अकीम सलात लिज़िक्री मेरी याद के लिए नमाज कायम करो यहाँ भी अल्लाह ने नमाज को जिक्र कहा है और तमाम इबादतों को भी अल्लाह ने जिक्र कहा है कि वमन जिक्री अगर तुम अल्लाह की याद से एराज करोगे फाइनल अल्लाह सुबहान तुम्हारी दुनियावी और जिंदगी को तंग कर देगा इतमान सुकून तुम्हें जो है मैसर नहीं होगा तुम्हें इतमान सुकून मिलेगा नहीं तुम्हें माल दौलत में अगर करोड़ रुपया है तो अरब रुपया के चक्कर में तुम परेशान रहोगे तुम्हें सुकून कल्ब कहा मिलेगी अल्लाह की याद में अला कुलूब, दिलों का इतमान नमाज में मिलेगी दिलों का इतमान अल्लाह की याद में मिलेगी अगर तुम अल्लाह ताला की याद से एराज करोगे रो गर्दानी करोगे खुदा की नाफ़रमानी करोगे नाफरमानी वाली जिंदगी तुम गुजारोगे फिनलहु जनका अल्लाह ताली तुम्हारी ज़िंदगी को तंग कर देंगे मुसीबत परेशानी बीमारी हाँ कोई सुकून कल्ब नहीं करोड़ों रुपया होने के बावजूद सुकून नहीं है यहाँ तक कि आज का मुशाहिदा इस कुर करीम पर देखिए कितने ऐसे ऐसे लोग हैं फिल्मी स्टार जिनको करोड़ों अरबों जायदाद रुपया पैसे हर तरह के लग्जरीज़ हर तरह के ऐश इशरत होने के बावजूद ख़ुदकुशी कर रहे हैं ऐसे ऐसी बीमारी में मुबतला है कि अमरीका में जाकर भी वो इलाज न कर सके और मौत के मुंह में चले जाते हैं उनको पता है कि मुझे दो महीने के बाद मरना है उनका ये दौलत दरी की दरी रह जाती है वनःरूम क्यामत आमा ये तो दुनिया की मार है कयामत के दिन अल्लाह उसको मैदान हशर में कैसे उठाएंगे अंधा उठाएंगे आँख की बिनाई सलब कर दी जाएगी अल्लाह आपने हमें क्यों अंदा बनाया है हालाँकि दुनिया में मेरी बिनाई मौजूद थी मैं आंखों से देखने की सलाहियत थी अल्लाह क्या फरमाए का आयातन फ़न सीता जिस तरीके से तुमने मेरी आयतों अल्लाह की आयतें अल्लाह के अहकाम शरीय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम के तरीक़े को जिस तरीके से तुमने नज़रअाज़ कर दिया जिस तरीके से उसने तुमने पश्चपू डाल दिया जिस तरीके से तुमने उसके अकाम शरीयत को नहीं माना बुला दिया वह कजा मतुनसा आज अल्लाह के रहमत से तुम क्या हो खत्म कर दिए जाएंगे अल्लाह की रहमत से तुम दूर होके दिया जाओगे अल्लाह भी तुम्हें अपनी रहमत से बुला देगा तो यहां अमन आरजान जिक्री अलमया कलूबिक्ला की याद के लिए अल्लाह ताली के सामने आजीज़ी व इंकिसारी के साथ सौ फ़ीसद झुगने से ये ईमान वालों को क्या हो गया है क्यों गफरत में पड़ा हुआ है वला यकून कल उकल्दीन ऊतुल किताब अरे उनकी तरह मत हो जाना जिनको हमने किताब दी शरीयत दी बहुत सारे एक नहीं ना जाने हज़ारों सौ अम्बिया आल मसलात असलाम पेद पेर उस उम्मत में आई बावजूद जब उसने अल्लाह के अहकाम और शरीयत को जो मुसाला सलातम की जो शरीयत थी जो कानून था जो अहकाम इलाही थी जब उसने मुकम्मल तौर पर उन्होंने उन चीज को नजरअंदाज कर दिया और बहुत सार गफलत में जिंदगी गुजारने लगे वह कफीर उम्मीदन फासकून उसमें से बहुत से लोग फासिक और नाफरमान बना दिए गए उनका दिल क्या हो गया सख्त बन गया कुरान मजीद के सुरे अल्बरा में अल्लाह ताली एक जगह फरमाता है सुन मकसद कलूब कुम्बाद ज़ाल का फ़ैया कल हजारत अशद कस्व जब हम कुरान की तालीम पर अमल नहीं करेंगे जब हम शरीत पर अमल नहीं करेंगे जब हज़रत रसूल अक्रम सल्ह वसलम के तलीम और इस दिन पर जब हम अमल नहीं करेंगे तो मैंने कहा ना जब हक बात का इंकशाफ हो और इंसान हक बात को पहचानने के बावजूद एराज करें हक बात के पहचानने के बावजूद भी फो गफलत की ज़िंदगी गुजारें मेरी बात समझ में आ रही है हक बात सिर्फ़ कुरान की बात है शरीयत की बात है अगर इसी शरीयत और कुरान के अहकाम को जानने के बावजूद नमाज़ की अहमियत को जानने के बावजूद फ़राइज को जानने के बावजूद फिर इंसान तखीर के हरबे में के हवाले से इंसान दहज जाता है तो मेरे भाई याद रखो अल्लाह ताला उसको जो असली जो फितरी जो सलाहियत होती है जिसे इस्तेदाद कहते हैं अल्लाह है ताला उससे उसे छीन लेता है फिर कहीं अल्लाह उसे जंजोर दें कहीं हिदायत दें फिर ऐसी कुछ ऐसी झुंझुड़ने वाले आयत के ज़रिए से कहीं वो अपना मुहासबा करें बैठें मेरी जो ज़िंदगी है चालीस साल तीस साल ये तो गुनाहों में गुज़र गया अब मुझे जो है आज के बाद से एक अच्छी जिंदगी एक नई जिंदगी एक ईमान वालों की ज़िंदगी मुझे गुजारना चाहिए वहाँ से वो शुरू हो गया तो अलहमदिल्ला फिर उसके बावजूद भी अगर वो फिर भी गफलत वाली ज़िंदगी गुजारती है तो हक़ को समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती सरे से ख़त्म हो जाती इसलिए आज जितने भी इंसान दुनिया के अंदर है वो ये समझ में नहीं आ रहा है उसको कि मुझे क्यों पैदा किया मुझे तो इसलिए पैदा किया मुझे तो यूँ पैदा हुआ जिस तरह और चीज़ें पैदा हो रही ये बस दुनिया की ज़िंदगी है मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है खाना पीना मर जाना बच्चे पैदा करना ये तो जानवर भी करता है। हैवान की जिंदगी और तुम्हारी जिंदगी में क्या फ़र्क है वो भी बच्चे पैदा करते हैं उसकी भी शहवानियत है वो भी अपनी ख्वाहिश किसी दूसरे जानवर पर पूरी करता है लेकिन जिस मकसद से अल्लाह ने उसे पैदा किया है वो उसको समझ ही नहीं सका क्यों हक को समझने की सलाहियत सरे से ख़त्म हो गई जिसको कुरान मजीद में कहा खतम करलूबिम वहीम अल्लाह ने उनके दिलों को महर लगा को दी लहूबा आकलू नबी वल आइनलबसून नबी वज़ा नबी बलह अदल उन दिल है लेकिन वो हक को समझ नहीं सकते आंख है हक को देख नहीं सकते कान है हक बात को सुन नहीं सकते हैं ये तो जानवर बल्कि उससे भी बदतर हैं उससे भी गिए गुजरे हैं अगर आज मुसलमानों का भी यही हालत है मुसलमान क्या है मुसलमान नमा अहकाम शरीयत से दूर अगर इस वक्त हालात कितना मायूसकन लग रहा है हमें हर तरफ से मुसलमानों पर म सितम मौजूदा सरकार के या मौजूदा हुकूमत के ज़रिए से कह दीजिए पता नहीं कितने कितने ऐसे पार्टियाँ हैं कितने कितने ऐसे तंजीमें हैं जो सिर्फ़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह दीजिए या प्रिंट मीडिया कह दीजिए, जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचाना मुसलमानों के दरमियान गलत फ़हमी पैदा करना अगर हम दीन को सही से नहीं सीखेंगे अगर हम सही फहम कुरान नहीं हासिल करेंगे तो हम भी गलत फहमी में मुबतला हो जाएंगे जिस तरह के पिछले बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्या कहा जितने भी जमाती हैं निजामुद्दीन मरकज से ही कोरोना वायरस फैल गया और दे चर्चा दे डिबेट जहाँ कहीं टोपी वाला देखा उसको कोरोना वायरस नाम रख दिया लेकिन उनकी दुआओं से कुछ हमारे ऐसे फॉरेनर्स थे जो अल्लाह वाले उन्होंने कहा नहीं हम अदालत में जाएंगे अदालत में जाकर हम लड़ेंगे और फिर अदालत ने उनको बाज्जत बरी कर दिया और बहुत सारे हुक्म को फटकार लगाया अदालत ने तुमने इसे झूठ क्यों फैलाया है अब शुरू में हमारे बहुत सारे मुसलमान भी यही हैं अगर इस मोहल्ले से कोई जमात में गया है तो वो कहते हैं भैया दूर रहो वही कोरोना लेकर आया है हालांकि करोना कहाँ चीन से आया था तो ये साजिश हक को बातिल की जो मुआरका है ये तो चलती रहेगी हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चल रहा है क़यामत तक चलेगी लेकिन हमें अपने आप को सुधरना है हमें हम अगर मुसलमान सौ फीसद अगर दीन पर चलेंगे अल्लाह की वही नुसरत आएगी जिस तरह अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा में जो मुसलमानों की जो नुसरत की फ़तेह मक्का के बाद जो मुसलमानों की जो नुसरत की यह अल्लाह का एक सुन्नत है इन अल्लाह इलामां कौम तुग़ाब अन्फसम अल्लाह ताली उस कौम की हालत उस वक्त नहीं बदलते जब तक वो खुद अपने आप को ना बदलें आज कल हम किस चीज़ पर लगे मरिकल लौकी को काटा बैंगन को काटा बकरी को देखा वहाँ ऐसे देखा तो उस पर अल्लाह लिखा अब सब शेयर करो भाई इसको शेयर करो तुम्हें इतनी सवाब मिलेगी बकरी पे मोहम्मद लिखा इसको शेयर करो इतनी सवाब मिलेगी किसी मछली में ला अला लिखा उसको शेयर करो इतनी सवाब मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी ये शेयर करने से आपको कोई सवाब नहीं मिलेगी सवाब मिलेगी अब अमली तौर पर ज़िंदगी गुजारे अमली तौर पर कुरान के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे नहीं तो हमारा दिल वही सख्त हो जाएगा बस हम इसी चीज़ों में जो है क्या गुनगुनाते रहेंगे बस ये चीज़ें वहाँ से फलां जगह से टीवी में आ गया कि भाई वहाँ जगह से ये आ रहा है वहाँ जगह से मुसलमान इंशाल्लाह ये होंगे वो होंगे लेकिन सारे मुसलमान नमाज से दूर दीन से दूर शरीयत से दूर हमारा रहना सहना हमारा वज़ा क़त कोई सुन्नत के मुताबिक नहीं है सब सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो कहाँ अल्लाह की नुसरत आएगी इसलिए अल्लाह ने कहा झिंझोड़ का कहा अरे इन मुसलमानों को इन ईमान वालों को हमको कह रहा अल्लाह अरे इन्हें क्या हो गया है अभी तो अल्लाह के दीन अहकाम शरीयत कुरान के सामने अभी इनको दिल झुका नहीं है अभी इनका दिल नरम नहीं हुआ है नहीं तो ऐसा होगा कि फ़ैयत हजारत अशद कसवा वरना पत्थर की उससे भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा व इन न मिनल हजारतलम अनहार, अरे पत्थर भी कभी खौफ ख़ुदा से क्या होता है उससे वहाँ से चश्मे निकलता है वही नमीन लामा ए तफ़रुमिनहार वही नमीन लमा शक्र माँ कभी कभी पहाड़ जो हमारे यहाँ दर हमने तो इसका मुशाह किया है बिल्कुल पथरीली पहाड़ है कोई बिल्कुल पत्थरों के पहाड़ हैं लेकिन वो भी खौफ खुदा से फट जाता है और वहाँ से भी पानी निकल आता है कभी कभी पत्थर वहाँ से ऊपर से लुढ़क कर ज़मीन में आता है अल्लाह के खौफ़ से वो भी लरस उठता है वो भी ऊपर से लुढ़क कर नीचे आता है हम तो सोते पत्थर ऊपर से गिर रहा है नहीं गिरता है वह भी अल्लाह के खौफ से गिरता है हमारा दिल तो पत्थर से भी सख्त हो गए कुरान की जो अहकाम है कुरानी मजीद अगर खोल खोल कर भी सुनाया जाएगा उसके दिल में कोई असर नहीं क्यों इसी वजह से जब हम हक के इंकशाफ के बावजूद हक को पहचानने के बावजूद हम एराज़ करेंगे हम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे हम नमाज़ सुबह इस वक्त जो है आज के दिनों में बहुत सख्त सर्दी है उस वक्त तो माने सत्ताईस होगा कम से कम सत्ताईस उस वक्त लिहाफ़ में बैठे हुए हैं लेकिन जब वो लिहाफ़ से निकल कर जब मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाता है यह है ईमान की निशानी ये इस्लाम का झंडा लेकर वो मस्जिद की तरफ आता है लेकिन जो कजु ईमान है जो मुसलमान या हर मुसलमान को कहता है मुसलमान में कुछ ऐसे भी हैं जो ईमान वाले भी हैं जो जो सुलाहा नेक लोग भी हैं जो ज़यीफाईमान वाले भी हैं सबको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो जयफ़ उमान है उनसे भी अल्लाह फरमा रहे हैं अरे अभी तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ हम इस मुगालत में हम कल ये करूँगा परसों ये करूँगा बड़ी तवील और लंबे लंबे हमारे प्लानिंग है न जाने मौत कब आ जाए सारे प्लानिंग हमारा फेल हो जाए अब मौत आने के बाद रबाना आखना इला अजलिन करीब ए अल्लाह हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए किस लिए मोहलत देंगे दुनिया कमाने के लिए नुजब दाह का वन तबी रसुल हम तेरे अम्बिया आलत वसलाम के तालीम खासकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ह वसलम के तालीम कुरानी मजीद को हम दीर जान से कबूल करेंगे हम इस पर ईमान लाएंगे अल्लाह हमें मोहलत अल्लाह ने किसी को मोहलत दी है नहीं दी है इसलिए जिस तरह यहूदों को है ना ज़िल्त अल्ला मस्कनत अल्लाह की फटकार उन पर छा गई फिर अल्लाह का गज़ब के निशानी उस पर पड़ गए फिर उसके बाद अल्लाह तला की तरफ से उन पर अजाब मुसलत हुआ क्यों वो भी इसी तरह हज़रत मिसलात वसलाम ने समझाया एक अल्लाह की इबादत करो ये दुनिया के चक्कर में मत पढ़ो उन्होंने कहा कि अभी तो ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है अभी तो ऐश वशरत की ज़िंदगी है इससे आज मुसलमान भी हैं शरीयत हमारे पास है किताब हमारे पास है नबी हमारे पास है हमारे पास जो ज़िंदगी गुजारने के ज़ाबते व हयात भी मौजूद है बावजूद उसके हम गैर जैसे ज़िंदगी गुजारें तो हम अल्लाह की मदद हम पर आएगी तब भी अल्लाह ताली इतना हमें तमबीह करने के बाद फिर अल्लाह ने कहा देखो अभी अभी भी टाइम है ए ईमान वालों मुसलमानों मोहम्मद वसल्लम के उम्मतियों अभी भी वक्त है ए जान लो अन्लादम होती हा जिस तरह की ज़मीन भंजर है बिल्कुल एकदम चटियल मैदान है अल्लाह व तआला आसमान से बारिश को बरसाता है फिर उसके बाद उसमें से जो है सरजब निकलता है और वो लहलहाती हुई खलियान बनता है जंगल है पौधे हैं फल है वो निकलने लगता है जिस तरीके से अल्लाह ने मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ने जिंदा किया है तुम भी अभी इस वक्त समझ जाओ ना उम्मीद मत हो जब इंसान को जब सामने जब अपनी पूरी पिछली माजी की जिंदगी उसके सामने आती है तो सिवाय गुनाह के सिवाय अंधेरों के उसे कुछ नज़र नहीं आता है उसके दिल के निहाल खानों में जब वो झांकता है तो ईमान की कोई शेय नहीं है सिवाय वीरानी के उसे कुछ नज़र नहीं आता है तो अल्लाह कहता अल्लाह की रहमत से तुम मायूस मत हो जाना और यही मायूसी अगर छा जाती है अगर अल्लाह ये आयत करीमा ना उतारते अल्लाह अपनी रहमत किसे हमें ढांप ना लेते अगर अल्लाह की रहमत हम पर नहीं होती जो ख़ास रहमत जो, जो जिसको हम हिदायत कहते हैं मेरे भाई अल्लाह ने कहा तुम जान लो अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना आज ही तो तुम समझ जाओ नमाज पढ़ना शुरू करो नबी के शरीयत पर चलने की कोशिश करो रोजाना कुरान की तिलावत करो मसनू दुआई तुम याद करो तो अल्लाह सुबहान व तौला का महबूब बन जा बन जाओगे अल्लाह के सामने सच्ची तोबा करो अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को तुम्हारे हसनाद में बदल देंगे यह अल्लाह की रहमत है हम पर अल्लाह ने मिसाल दी है दलील दी है क्यामत के दिन तुम जिंदा दोबारा उठाओ जाओगे इस तरह उठाओगे अल्लाह ताला इसके तौर पर अल्लाह ने दलील के तौर पर कहा कि जमीन बंजर है है ना हमारे यहां बहुत सारे जमीन बंजर है हमको तो पता है वहां क्या है उस बंजरों में उस बंजार में, में इंसान रहना चाहता है नहीं रेगिस्तान है कोई हरियाली नहीं कोई वहां पर पानी के वसायल नहीं और जमीन जरखेज़ भी नहीं है कोई इंसान रहना चाहता है इंसान तो दूर जानवर परिंदे दरिंदे हजराज कुछ रहना नहीं चाहता है लेकिन जब अल्लाह सुबहान वाली जब आसमान से बारिश को बरसाने के बाद फिर उसमें रोहियत और उसके अंदर जो है अल्लाह ने उगाने के जो सलाहियत पैदा करने के बाद जब हम एक साल के बाद जब आता है तो वो जंगल बन जाता है वहाँ परिंदों के चहचहाट वहाँ हजरातर्ज़ का रेंगना वहाँ जानवरों का चलना फिर वहाँ इंसानों का बसना फिर एक नई ज़िंदगी उसको वहाँ मिल जाती है इसी तरीके से अभी अल्लाह के सामने तोबा करो जान लो है ना अल्लाह ने क्या कहा है ला तकन तुम रहमत अल्लाह की रहमत से तुम मायूस मत होना मायूसी हमारे जिस्म को शल कर देता है अंधेरों में हमें गुम कर देता है इसी मायूसी और अंधेरे में अल्लाह ने ईमान की रोशनी इसी उम्मीद के ज़रिए जगाया है कि अभी भी जग जाओ मौत नहीं आई है मौत से पहले तौबा करो और सही ज़िंदगी गुजारो ऐसा मत गफलत की ज़िंदगी गुजारना मेरे बात आखिरी बात है देखो हम लोग हर एक जानते हैं कि हमें नमाज पढ़नी है पढ़नी है ना लेकिन जब हक बात जब हम पर इंकशाफ होने के बाद हक बात को पहचानने के बाद नमाज की अहमियत को जानने के बाद नमाज के फ़रज़ को जानने के बाद अजान के वक़्त फ़ौर अगर नमाज की तरफ नहीं लपकोगे फिर वही तख़िर हरबा अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे, अभी थोड़ी देर के बाद नमाज़ पढ़ेंगे अभी तो फज्र के नमाज़ में अजान के बाद कितनी टाइम है तीस पैंतीस मिनट है दस मिनट सो जाऊँ और दस मिनट सोने के चक्कर में बीस मिनट पच्चीस मिनट सोता है जब वो झकता है तो कहता है कि अगर मैं यहाँ से वजू करके जाऊँ तब भी जमात नहीं मिलेगी फिर वो क्या करता है नमाज ही चूज़ करता अब कहता है कि अब वक्त तो जमात तो छूट गई है अब किसी तरीके से नमाज तो अभी एक घंटा है नमाज कज़ा होने में एक घंटा अब थोड़ा और सो लो वो नमाज को ही कज़ा कर देता है इसका ये ये इसके अंदर दिल में ये चीज़ उभरना ये भी ईमान की अलामत है अभी है ईमान की चिंगारी है उसके दिल में कुछ तो ऐसा है कि उसको अजान का पता नहीं नमाज का पता नहीं सो रहे हैं सुबह दस बजे तक आठ बजे तक वहाँ से उठे खाया पिया जानवरों की तरह दुनिया में चल दिया हर ईमान ज़रीफ़ अईमान को अल्लाह यहाँ तंबीह कर रहा है झुंझोड़ रहा है क्या हुआ है अल्लाह के इस ज़िक्र के सामने अल्लाह की शरीयत के सामने तुम अभी तक नहीं झुके हो किस गफलत में तुम पड़े हुए हो तुम तो अपने आप को उनके मानिन बनाना चाहते हो जिनको हमने शरीयत दी किताब दी नबी दी सब कुछ देने के बाद सबका उम्मत जिसे हम कहते हैं यहूद और नसारा का क्या हुआ उनको तो अल्लाह ने माजूल कर दिया ख़त्म कर दिया अब शरीयत यही है तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग भाइयों हमें अपने आप को देखना है सबसे पहले जो हफ्ता गुजर गया पिछले हफ्ते से अभी तक तन्हाई में बैठ कर सोचो कितनी नमाजें कज़ा हो गई एक हफ़्ते में कितने पारे की तिलावत की की तो खुश नसीब नहीं की तो कितनी कितनी कीमती वक्त हमसे हम, हम ज़ाया कर दिया है वो वक्त वापस नहीं आएगा आज जुमा है किस किस ने सूर कहफ की तिलावत की किस किस ने सूर कहफ की तिलावत की सोने से पहले किसने सूर मुल्क की तिलावत की चंद लोग हैं सो रहाँ तो मसनू दुआ भी याद नहीं है पिछले दो हफ्ते पहले मैंने कहा ना कि सूर्य बकरा की आखिरी दो आयत रात में सोने से पहले तिलावत करो कितने लोग कर रहे हैं हमें इन बातों की कोई अहमियत नहीं है ये अहमियत कब आएगी जब असली आँख बंद हो जाएंगे असली आँख जो है मौत से पहले नमाज पढ़िए कबल इसके कि आपकी नमाज पढ़ी जाए मुर्दा इंसान में क्या फ़र्क है इंसान ज़िंदा है वो खुद उठता है खुद नहाता है खुद चलता है हाँ खुद जा खुदा के सामने सजदा करता है मरे हुए इंसान क्या है मरे हुए इंसान जो है वो खुद नहीं उठ सकता उसको उठाया जाता है खुद नहा नहीं सकता उसको नहलाया जाता है और फिर सामने रख कर उसके सामने नमाज जनाज अदा की जाती है और हमने अपने कितने रिश्तेदारों को, को अपने हाथों से दफन कर दिया तो अकल हमारे भी बारी यही है कितने दिन और जियोगे इनशाला सुबह ना दुआ कीजिए अल्लाह ताल से आज से आज़म मुसम्म नमाज़ की सौ फ़ीसद इन शह हम पाबंदी करेंगे और मेरे भाई अपने मोहल्ले के मस्जिद को आबाद करो ये जब से कोरोना वायरस का फैला है उस ज़माने में कुछ दिनों पहले कहा गया ये ठीक मस्जिद में कम लोग आओ दो तीन आओ आप लोग मत आओ उसके बाद से तो लोगों ने कहा कि हमको तो छुट्टी दे दी बाजार में सब मिलें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सब मिलें दावत वलीमा में सब मिलें माशा वहां कोई कोरोना नहीं है कोरोना है तो मस्जिद में है भाई ऐसा नहीं है ये सब बहाने हैं हमारे लिए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो जिसे आज हमने यहां रखा है ये भी शरीयत के मुताबिक है लेकिन आकाम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे सौ फीसद कामयाब हो जाओगे अगर इसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारोगे कुछ दिन तो मस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह डील देता है फिरौन आया हामान आया नमरूद आया बड़े बड़े ऐसे बादशाह आए जिनका अना रब कौन उनका नाम लेवा है ऐसे बादशाह आए जिन्होंने कहा कि जो जिनके आने पर हज़ारों लोग पीछे चलते थे लोग कहा करते थे बा मुलायजा होशार हो बादशाह सलामत तशीफ़ ला रहे हैं कनीज़ें उनके सामने हैं आज कौन उनके खबरों को पूछने वाला है वो तो एक उबरत बन गया हमारे लिए कोई किसी को नहीं पहचानता है काम आएंगे तो सिर्फ नेक आमाल काम आएंगे यही नमाज कुरान की तिलावत यही ज़िक्र आज़कार यही काम आएंगे इन नमाज़ की पाबंदी करेंगे ना इनशा अपने मस्जिद को आबाद रखेंगे ना इनशा इन ज़रूर रखिए यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है अल्लाह ताली से, अल्ला से दुआ है रब करीम हमें कहने सुनने से ज़्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तोहफ़ी नसी फरमाए मोहतरम बज़ुर्गो भाई हमारे जनाब अब्दुल खालिक जो हमारे एक्स डीएसपी थे दर्जी सम्पोपा जो हमारे अब्दुल जो के छोटे भाई थे उनका भी कुछ दिन पहले इंतक़ाल हो गया अल्लाह ताला से दुआ करें रब करीम उनको उनकी मफ़रत फरमाएँ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाएँ काफ़ी वो जो है माशा जब मैं नमाज पढ़ने आते थे तो भी वो बहुत ज़िक्र असकार में रहते रहा करते थे बहुत जो है वो दुरूद पढ़ते थे ज़िक्र अस्कार में जैसे शौसात के पाबंद भी थे अल्लाह ताला उनके तमाम इन आमाल सलह को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं और आप लोगों से दुआओं की जो है दरख्वास्त है इस तरह उनके दो बेटे एक बेटी है अल्लाह ताला उनको भी सर जमील के तोफ़ी नसीह फरमाएं। तो भाई उनके हक़ में मरहूम के हक़ में आपसे दुआओं की दरख्वास दुआओं की दरख्वा है अल्लाह तक मफ़रत फ़रमाएँ व आखिर अनहमदिल्लाबी